कांग्रेसियों द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। आज सुबह से ही देहरादून और डोईवाला विकास नगर गढ़वाल के भिन्न भिन्न क्षेत्र से देहरादून आने का सिलसिला शुरू हो गया था। समस्त उत्तराखंड में आज प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर कांग्रेस के बैनर तले सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और प्रीतम के नेतृत्व में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, कुंभ, कोविड 19 टेस्टिंग घोटाला, किसानों की बदहाली, वेद तीर्थ पुरोहितों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई से आज पूरा देश जूझ रहा है, चाहे वो रसोई के इस्तेमाल में होने वाला तेल या गाड़ी में भरने वाला तेल हो, या रसोई गैस से लेकर बेरोजगारी या महिलाओं का शोषण करने की बात हो, किसी न किसी तरीके से आज देश की जनता का शोषण हो ही रहा है। प्रीतम सिंह, सोनिया गांधी, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रीतम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुद्दा तो आज महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार, कुंभ घोटाला और किसान बदहाल है। इन मुद्दों को लेकर हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी ने आह्वान किया कांग्रेस जनों से कि इस सरकार को, राजभवन का आज हम घेराव करेंगे कि इस सरकार को, सोई हुई सरकार को हम जगा सकें, क्योंकि इन्होंने आती नारा लिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज इन्होंने इस कदर महिलाओं का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया कि इनके विधायक उसमें संलिप्त हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम इस सरकार को जगाना चाहते हैं कि ये सभी मुद्दे जनहित के मुद्दे हैं। आपने तो जनता को रोने पे लगा दिया, अभी भी समय है, आप जाग जाइए, जनता को राहत देने का काम कीजिए, नहीं तो ये जनता आपको उखाड़ती। आप मांगों की कोई कमी नहीं है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार इस प्रदेश में, जो सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार अभी हुआ है वो हुआ है टेस्टिंग घोटाला, जो उत्तराखंड में कुंभ में हुआ है, जहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों की अपनी भावनाएं भी जुड़ी हैं। उसमें भी भाजपा सरकार द्वारा टेस्टिंग में घोटाला किया गया, एक टेस्टिंग किट से 700 लोगों की टेस्टिंग की गई और कई लोगों की ऐसी टेस्टिंग हो रखी है ऑन रिकॉर्ड जो यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पे उस नाम के कुछ लोग है ही नहीं कहीं पे। दूसरा, आज महंगाई का आप चरम देख सकते हैं, आज गैस सिलेंडर कितना महंगा हो चुका है, पेट्रोल डीजल सब चीजें महंगी हो चुकी हैं, जिसका सीधा असर एक आम जनता पे पड़ता है। और आज ये सरकार जब आई थी, इन्होंने एक वादा दिया था और एक जुमला लगाया था कि महिलाओं पे अत्याचार को लेके एक नारा उन्होंने बनाया था, और आज सबसे ज्यादा अत्याचार अगर अब तक कहीं किसी सरकार के टेन्योर में हुआ है तो वो भाजपा सरकार की, वर्तमान सरकार के द्वारा हुआ है, जहाँ पे इनके प्रदेश संगठन मंत्री के ऊपर भी आरोप लगाया, एक महिला ने, दो विधायकों पे लगाया, और अफसोस इस बात का है कि जब तक कोर्ट ने इंटरव्यून नहीं किया, इन्होंने मुकदमे दर्ज नहीं किए, और कोर्ट के इंटरव्यून के बाद इनके ऊपर FIR दर्ज होती है। दूसरी तरफ आज किसान हमारे अपने संघर्ष कर रहे हैं, इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और हालत यह है कि किसान सरकार पे अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।